है आज आप लोगों के साथ एक नई डिश और नए अंदाज में और अपने स्टाइल में बनाना सिखाऊंगी। चलिए सीखते हैं। आज हम शादियों वाले लड्डू बनाएंगे। ये लड्डू जब शादियाँ पहले होती थी तो जब हम अपने माँ बाप के घर आते थे तो अम्मी अब्बू ये हमें बना कर देते थे कि ये जाके अपने फिर हम रिश्तेदारों में और बहन भाइयों में बांटते थे। तो ये चीज़ बनाने के लिए चले मैं आप लोगों को आगे दिखाती जाती हूँ कि आप क्या इसमें डलेगा। ये सिंपल और सादा और आसान बनाने में बहुत ही आसान है। बनाएं, खाएं और घर वालों के दिल जीतें। तो चलें अब शुरू कर लेते हैं आगे बनाना। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान नहायत रहम वाले हैं, जो दिलों के भेद को खूब जानता है। अस्सलामु अलैकुम। खुश आमदीद पाकिस्तानी चैनल इन जर्मनी पे। आज की वीडियो शुरू करते हैं। पाकिस्तानी चैनल में क्या बनेगा? आज हम बनाएंगे एक पुरानी डिश जो पहले ये शादियों में बनाई जाती थी, लेकिन अब लोग मॉडर्न हो गए हैं, अब वो बनी बनाई चीज़ें लेते हैं। ये घर में कोई भी नहीं बनाता। जब शादी होती थी किसी की, बेटी की या बेटे की, तो घर में ये चीज़ लाजमी बनती थी। चले फिर आज हमने कहा कि हम भी पुरानी यादें ताज़ा करते हैं और आप लोगों के साथ भी शेयर करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बताए देती हूँ कि आज जो हम बनाएंगे उसमें क्या क्या डलेगा। यहाँ मैंने एक कप ले लिया है मैदा, थोड़े से बादाम, थोड़ी सी सौंगी, काजू, एक कप चीनी और एक कप सूजी, और यहाँ थोड़ी सी मैंने सफ़ेद इलायची भी ले ली है खुशबू के लिए, और घी, ये देसी घी है। तो मैं जब डालने लगूँगी फिर आप लोगों को बताऊँगी कि कितना डला है इसके अंदर। चले मैं शुरू करती हूँ। चले शुरू करते हैं। यहाँ मैं चूल्हा ऑन करूँगी, कई बार मैंने रख लिया, और घी डालेंगे, देसी घी डालेंगे। तकरीबन एक आधा कप डालेंगे, चम्मच के साथ ही डालूंगी आप लोगों के सामने, देखते हैं कितना डालता है। एक चम्मच मैंने डाल लिया। ये दूसरा, अब देख लेंगे कि और डालना पड़ता है या कि इसके अंदर ही हो जाएगा। तो यहाँ हमारा तेल गर्म हो चुका है, अब हम इसमें इलायची खोल के डाल देंगे खुशबू के लिए। तीन चार इलायची सफ़ेद वाली, बस इतना कि खुशबू आने लग जाए। तीन मैंने डाली है। अब इसमें मैं सूजी डालूंगी, सूजी डालेंगे और ऐसा प्लेन पे इसको पकाना है। ये
तरह का हो जाना चाहिए। ये मैं डालूंगी इसके अंदर चीनी, तो चीनी हम डालेंगे। चूल्हा मैंने इस्तेमाल कर दिया, बंद कर दिया, बल्कि हमारी सूजी बन गई है अच्छी तरह। अब इसमें मैं डालूंगी एक ये दो चम्मच, ये देखें आटे को बिल्कुल ऐसे, जो इसको हमारी जबान पंजाबी में तो मोन कहते हैं, जो हमने ये तेल डाला है इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। तो इसको गूंद लेंगे नीम गर्म पानी से, तो यहाँ हम थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे, पहले मैंने थोड़ा सा डाला। इसको अच्छी तरह मिक्स करूँगी, मैंने आटे को बाहर निकाल लिए। अब मैं इसको अपने हाथों की मदद से थोड़ी देर गूंदूंगी। जितना ये अच्छा आटा गूंदेंगे उतना अच्छे आपके लड्डू बनेंगे। ये देखें पहले शादियों में ये बना कर देते थे अपनी बेटियों को, जब हम माँ बाप के घर जाते हैं अपने मेके में, तो फिर ये बना के देते थे 100-100 लड्डू बना कर, उससे भी ज़्यादा देते थे। क्योंकि मैं अपने इनके हाथों की मदद से इसको अच्छी तरह कर लूँगी और फिर मैं इसको थोड़ी देर के लिए रख दूँगी, तब तक ये हमारा जो हमने सूजी तैयार की है वो ठंडी हो जाएगी। अब मैं इसको थोड़ी देर के लिए ढक के रख दूंगी। बस इस तरह का होना चाहिए, ऐसे ना नरम हो ना सख्त हो। मैंने थोड़ा सा इसके ऊपर तेल लगा लिया। अब मैं इसको रख देती हूँ कि ये थोड़ा सा अच्छी तरह हो जाए। तकरीबन 10-15 मिनट के लिए मैं रख देती हूँ इसको ऊपर से ढक के। तो यहाँ देखें हमारा आटा नरम हो गया। अब फिर मैं इसको थोड़ा सा ऐसे कर लूँगी। और अब मैं इसकी गोलियाँ बनाना शुरू कर दूँगी। यहाँ मैंने छोटे छोटे पेड़े बना के रखे हैं, दूसरे बाद में बनाऊँगी आप लोगों के सामने। एक बना के आप लोगों को दिखाती हूँ। ये रोटी को बेल लेने, जैसे हम समोसे की रोटी को बेलते हैं उसी तरह इसको चौरस, बस रोटी को इतना सा बेल ले। ये देखें ये जो मैंने बना के रखी हुई है फिलिंग, अब वो मैं डालूंगी। ये डालूंगी इसके अंदर, आपकी मर्जी के मुताबिक आप डाल सकते हैं। आप देखें आप कितना इसके अंदर डालना चाहते हैं, ज़्यादा काम आप कर सकते हैं, ये ऑप्शन होता है। लेकिन मैंने मीठा चेक किया, माशाल्लाह से बहुत परफेक्ट हुआ था। एक कप थी सूजी और दो खाने के बड़े चम्मच दो थे ना, वो मैंने चीनी के डाले हैं। अब इसको हम ऊपर से उठाएंगे यहाँ और इसको अच्छी तरह बंद करेंगे, फिर इसको हम उठा लेंगे आराम से प्यारे प्यारे हाथों से।
तो फिर हम इसके ऐसे इसको करते जाएंगे, इसको बल देते जाएंगे। ऐसे अगर आप लोगों के बंद ना हों तो आप थोड़ा सा पानी लगा लें। ये देखें, ये देखें, इस तरह इसको हमने बंद कर लेना है। ये देखें, ये पहले बनाया था और ये बाद में बनाया है। अब ये देखें, ये मैं यहाँ रखी रोटी, इसके अंदर ये फिलिंग डालेंगे जो सूजी है। और इसको उठाकर ऐसे बंद करेंगे। इसको अब मैं नीचे ही ऐसे करती जाऊंगी। बड़ी देर हो गई है ना बनाए हुए, तो अब वो तरीका भी नहीं आ रहा ना, लेकिन इंशाल्लाह परफेक्ट बनेंगे। ये देखें ऐसे, इसी तरह हम सारे बना लेंगे। हाँ, ये नीचे मेरे मुझसे बहुत अच्छा बना है ना हाथ में रखने के बजाय। ये देखें ऐसे, ये हमारा लड्डू तैयार होंगे। ये भी हमारा तैयार हो गया माशाल्लाह से। ये देख ले, इसी तरह मैं सारे बना लूँगी, फिर तलते हैं। तो यहाँ मैंने कढ़ाई रख ली है, अब मैं डालूंगी इसमें तेल, तल लेंगे लिए। बिस्मिल्लाह, ये कम है वो डालेंगे। आधा लीटर मैंने तेल डाल लिए, अब तलते हैं, थोड़ा सा गर्म होने देते हैं। ज़्यादा गरम तेल नहीं करना, मीडियम करेंगे। और चूल्हा को मैं आस्ता थोड़ा सा अभी कर दूँगी। चले डालते हैं क्या। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, एक मैंने डाला, अब दूसरा डाल दूंगी। बिस्मिल्लाह, इनको हम गोल्डन करेंगे। एक दफा मैंने इनका ये सेट बदल ली है। मैं दूसरी तरह पलट के देखूंगी। ये देखें, पलटते रहने कि ये ब्राउन हो जाए, गोल्डन ब्राउन करेंगे, अभी नहीं हुए। ये देखें, जिस तरह हम उनको ब्राउन करते हैं ना समोसों को, इसी तरह हमने इनको भी करना है, अच्छी तरह ब्राउन करने हैं। ये देखिए, एक साइड से हो गया, अब दूसरी में साइड करूँगी। ये भी एक साइड से हो गया, अब दूसरी, अब इसको निकाल लेंगे। टिश्यू पेपर, किचन पेपर रख लिया है, इसके ऊपर रखेंगे। अगर इसमें ज़्यादा तेल होगा वो खींच लेगा। ये दो हमारे तैयार हो गए, मैंने निकाल लिया, इसी तरह ब्राउन करने हैं।
अब मैं दूसरे डालूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखे मैंने डाले हैं ना, अब इनको मैं इसे पकने दूंगी जब वो ऐसा चूल्हे पे, तो जो जब उधर से थोड़ा सा पक जाएगा फिर इसको पलटेंगे। ये देखे फूलना शुरू हो गए माशाल्लाह से। मैंने ये पहली दफ़ा बनाया है, बहुत अच्छे मुझसे बने। मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी कि मैं ऐसे बना लूँगी, लेकिन बन गए। ये देखे माशाल्लाह से कितने हमारे फूल गए हैं। ये शादियों की सौगात है। चले अब मैं पलट के देखती हूँ इसको, इसको हाँ ये देखें, ये यहाँ से हो गया। अब मैं इसको पलटूँगी, आराम से पलट रहे क्योंकि तेल है। ये देखें चूल्हे को ऐसा ही रखना है। ये देखें हमारे गोल्डन हो गए, अब हम इनको निकाल लेंगे। माशाल्लाह हमारे लड्डू तैयार हो गए हैं। ये देखे हमारे लड्डू माशाल्लाह से बिल्कुल तैयार हो गए हैं। तो आप लोगों से मैं इजाज़त चाहती हूँ। आप लोगों से जाने से पहले एक रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को पाकिस्तानी चैनल जर्मनी को सब्सक्राइब कर लें, बेल के आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो आप लोगों तक पहुँच सके। तो ये देखे हमारे कितने अच्छे और रुकड़े बने हैं। ये देखे बिल्कुल लड्डू जैसे हलवाई बनाते थे ना हमारे पाकिस्तान में शादियों में, बिल्कुल वैसे बने हैं। तो इजाज़त चाहती हैं, अल्लाह हाफिज़। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह, ज़िंदगी रही तो कल फिर एक नई डिश के साथ ज़रूर आएंगे। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर अपने बहन भाइयों के साथ ज़रूर करना। सर्दियों में ये खाना बहुत अच्छा लगता है, साथ चाय लें और एक लड्डू लें और बैठ के खाएँ। ठीक है, चलें ठीक, ओके अल्लाह हाफिज़।